नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर किरतपुर से। किरतपुर में यहां से लगभग 12 किलोमीटर थाना क्षेत्र के ग्राम कुमहेड़े में दिन दहाड़े सशस्त्र बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र लूट लिया। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और गांव के आसपास सनसनी फैल गई। पुलिस कप्तान ने घटना स्थल का दौरा किया। घटनाक्रम के अनुसार ग्राम औरंगपुर नंदलाल कुमहेड़ा में शिवम कुमार प्रजापति पुत्र नंदनराम जनसेवा केंद्र चलाता है। लगभग शाम 4 बजे उसका छोटा भाई अर्पित प्रजापति जनसेवा केंद्र पर बैठा था, तभी 3 बदमाश, जिनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था और 2 बदमाशों ने चेहरे पर कपड़े से ढक रखे थे, बड़े आराम से जनसेवा केंद्र पर पहुंचे। इससे पहले अर्पित कुमार को समझ पाता, एक बदमाश उसके पास पहुंचा और हाथ में तमंचा लहराते हुए फिल्मी स्टाइल में कैश से भरा बैग अर्पित कुमार से लूट लिया। बदमाश बिजली की सी फुर्ती दिखाते हुए हाथों में तमंचा लिए फरार हो गए। मौत के साय से डरा सहमा अर्पित कुमार जनसेवा केंद्र से बाहर निकला और शोर मचाया, परंतु तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही नवागत थाना प्रभारी जय भगवान सिंह, SSI योगिंदर सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और लूट की जानकारी प्राप्त की। अर्पित कुमार के अनुसार बदमाश लगभग 75,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में हुई लूट से ये बात साबित हो गई कि बदमाश को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं रहा। घटना स्थल का पुलिस कप्तान अभिषेक झा व CO देश दीपक नजीबाबाद ने दौरा किया और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इनके घर में रखे हुए कुछ स्वर्ण आभूषण जो कि इनके स्वयं के भी थे और इनके कुछ बहू के भी थे, बहू इनकी टीचर है, तो वो किसी कारण से इनको ये लगा कि हमने कहीं ऐसी जगह पर रख दिया कि जो हमें मिल नहीं रहा। तो काफ़ी लोगों ने सर्च किया अपने घर में, लेकिन बहू सास से नहीं पूछती थी और सास बहू से नहीं पूछती थी। उनको ये लगता था कि कहीं एक दूसरे पर मनमुटाव ना हो जाए, क्या पता किसी ने शिफ्ट कर दिया होगा। बहुत समय बाद इन दोनों में जब वार्तालाप हुई तब इनको ये लगा कि यही तो हमारे घर से घरों की चोरी हो चुकी है। तब इनके द्वारा कटोरा ताल चौकी को इन्फॉर्म किया गया और ये 3/9/2024 को इन्फॉर्म किया गया और इन्होंने संदेश जताया कि इस बीच में ये लोग कहीं बाहर गए भी नहीं थे, तो लिहाजा जो भी इस घटना को अंजाम दिया है कहीं ना कहीं वो घर में आता था और इसलिए इनका जो पुख्ता एक शक था, इनके घर में काम करने वाली अंजलि नाम की एक मेड थी उसके ऊपर इनको शक था, तो इन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। इसी बीच में चौकी इंचार्ज, चूँकि बहुत पुरानी घटना थी और CCTV और अन्य चीज़ें जो टेक्निकल थी वो मिलने की संभावना नहीं थी, लेकिन मैनुअल तरीके से हमारे चौकी इंचार्ज बिपुल जोशी, जो कि लगातार कई चोरियों बहुत अच्छा काम किया, वो इसमें लगे रहे। तो वो प्रकाश में ये आया कि ये जो अंजलि लड़की है जो इनकी वहाँ काम करती थी, ये एक लड़के से प्रेम करती थी और वो इससे शादी करना चाह रही थी और बाद में किसी बात पे इनके बीच में मनमुटाव हुआ और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी करते थे। तो दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो कुछ समय चीज़ें लीड मिली। इसी बीच में एक प्रकरण में ये दोनों बुलाए गए थे जिसमें कि ये जो हमारी पीड़िता है इनके द्वारा एक स्वर्ण आभूषण देख करके और उसमें कुछ लीड दी गई थी, तो उसके बाद जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो फिर ये दोनों टूट गए और इसने ये बताया कि सर मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती थी, लिहाजा एक दिन मौका पाकर के मैंने इनकी अलमारी में रखी हुई ज्वेलरी धीरे से निकाल लिया था और काफ़ी दिन तक मैं काम भी करती रही, इनको संदेह नहीं हो पाया। तो इस तरीके से घटना की पुष्टि होने पे और जो माल था हमारा लगभग 100% रिकवर हो चुका है। इस तरह से इंस्पेक्टर काशीपुर की जो टीम है इसने इस घटना में काफ़ी अच्छा काम किया। लगभग 9 महीने बाद इस घटना का अनावरण हुआ, क्योंकि हमें सूचना भी लगभग 9 महीने बाद ही मिली थी, तो इस तरह से एक बहुत अच्छा काम आज इस चोरी के अनावरण में। दिनांक 20 अगस्त को थाना किरतपुर के गांव कुमेड़ा में एक जनसेवा केंद्र पर 3 व्यक्ति द्वारा लूट की घटना घटित की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। टीम, थाने की टीम और स्वाट टीम दोनों को लगाया था। इसमें स्वाट टीम को इसमें सफलता मिली है, इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से घटना में जो लूटे गए रुपये थे वो बरामद हुए हैं, साथ ही इनके जो कपड़े वो पहने हुए थे CCTV फुटेज में आए थे वो भी इनसे बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका एक साथी पवन है जिस पर कई मुकदमे कायम हैं, वो पुराना शातिर अपराधी है, उसके साथ ये लोग आए थे, उसी की सूचना पर पहुंचे थे और लूट के भागे थे। पवन ने ही इनको बताया कि केवल 2700 रुपये मिले थे। अभियुक्त पवन की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई हैं, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया गया तथा बचा हुआ जो और माल है उसकी बरामदगी की।